hello student and welcome to presentation of utilization of electrical energy this is unit 5 UW 22626 and the topic is power factor improvement presented by utkarsha sonekar department of electrical engineering learning outcomes after watching this video student will be able to learn disadvantages of low power factor causes of low power factor advantages of power factor improvement and correction Avoidance of low power factor without using power factor improvement device. And the course outcome is use equipment for economic operation. Now, the disadvantages of low power factor the disadvantages is first is cross section of conductor increases as power factor reduces, as power factor reduces, current increases, cross section of conductor increases, hence its cost increases. तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता होगा तो कॉस्ट क्या होगा इंक्रीज होगा ये हो गया उसका डिसएडवांटेजेस सेकेंड इज वेट ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस जैसे ही इंक्रीज होता है क्रॉस सेक्शन एरिया तो वेट क्या होगा कंडक्टर का इंक्रीज होगा डिजाइन ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एज अ वेट ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस डिजाइन ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बिकम्स हेवियर सो इट्स कॉस्ट इंक्रीजेस दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर नाउ क्रॉस सेक्शन ऑफ टर्मिनल्स इंक्रीजेस एज पावर फैक्टर रिड्यूस करंट इंक्रीजेस हिंस क्रॉस सेक्शन ऑफ स्विच गियर बस बार कॉन्टेक्ट एंड टर्मिनल्स इंक्रीजेस जैसे ही पावर फैक्टर रिड्यूज हो रहा है करंट इंक्रीज हो रहा है तो जो भी अदर इक्विपमेंट है स्विच गियर वगैरह इसका क्या हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो रहा सो इट्स कॉस्ट इंक्रीजेस तो ये भी क्या हो गया डिस ऑफ लो पावर फैक्टर अगर आगे है कॉपर लॉसेस इंक्रीजेस एज पावर फैक्टर करंट इंक्रीजेस सो कॉपर लॉसेज इंक्रीजेस एज एन इफिस इफिसियंसी रिड्यूसेस जैसे कॉपर लॉसेज ज्यादा हो गए तो पावर फैक्टर क्या होगा रिड्यूस होगा सो so, ये भी क्या हो गया एक लॉस नेक्स्ट इज वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस एज पावर फैक्टर रिड्यूस करंट इंक्रीजेस दे फोर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस करंट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज होगा जिसकी वजह से रेगुलेशन क्या होगा पुअर होगा हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ इक्विपमेंट रिड्यूसेज जो भी कैपेसिटी होंगी इक्विपमेंट की सच एज अल्टरनेटर ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेज एज पावर फैक्टर क्या होगा रिड्यूस्ड हाई के वी रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट रिड्यूसेज एज पावर फैक्टर डिक्रीज के वी रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट इंक्रीजेज सो इट्स कॉस्ट इंक्रीजेज जैसे ही इक्विपमेंट की रेटिंग इंक्रीज होगा कॉस्ट भी क्या इंक्रीज होगा दिस इज ऑल्सो लॉस ऑफ डिसएडवाटेजेस ऑफ पावर फैक्टर कॉस्ट एंड ऑब्लिक यूनिट इंक्रीजेज

पावर फैक्टर लो हो गया तो क्या होगा डिमांड इंक्रीज होगी और एनर्जी बिल क्या होगा इंक्रीज होगा लो पावर फैक्टर अब इसका कॉजेस क्या हो सकता है सिंगल फेज एंड थ्री फेस इंडक्शन मोटरस ये भी इसका डिस है वेरिंग लोड इन पावर सिस्टम अगर लोड कम ज्यादा हो रहा है तो लो पावर फैक्टर हो सकता है इंडस्ट्रियल हीटिंग फरनेसिस उससे वजह से लो पावर फैक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैम्प हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प आर्क लैम्पस ये भी क्या हो गया इसके ऑपरे ऑपरेशन सिस्टम की वजह से भी क्या होता है लो पावर फैक्टर हो सकता है ट्रांसफॉर्मर्स अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं लो पावर फैक्टर है हार्मोनिक करंट इसके वजह से भी क्या होता है लो पावर फैक्टर जनरेट हो सकता है नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एंड करेक्शन क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं कैसे हम उसको इंप्रूव करके उसका क्या एडवांटेज हो सकते हैं फर्स्ट इज इंक्रीज इन इफिसियंसी ऑफ सिस्टम एंड डिवाइसेस सो क्या होगा इंक्रीज होगा इफिसियंसी अगर पावर फैक्टर बराबर रही तो लो वोल्टेज ड्रॉप लो वोल्टेज ड्रॉप कैसा हो जाएगा लो हो जाएगा रिडक्शन इन साइज ऑफ अ कंडक्टर एंड केबल विच रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द कॉपर जैसे ही कंडक्टर uh, की साइज डिक्रीज होगी तो कॉस्ट भी क्या होगा डिक्रीज होगा एंड इंक्रीज इन अवेलेबल पावर लाइन लॉसेस आई स्क्वायर आर इज रिड्यूस्ड अगर लॉसेस मेंटेन uh, करूंगी तो आई स्क्वायर आर क्या होगा प्रॉपर अगर पावर फैक्टर रहा तो रिड्यूस्ड अप्रोबेट साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स अगर पावर फैक्टर प्रॉपर रहा तो uh, जो भी इलेक्ट्रिकल की मशीन्स जो भी रहेगी उसकी साइज क्या रहेगी प्रॉपर रहेगी नेक्स्ट इज इलिमिनेटेड द पेनल्टी ऑफ लो पावर फैक्टर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो भी हमें पेनल्टी लगती है कि लो पावर फैक्टर की वो भी कम हो जाएगा लो के डब्ल्यू एच किलो वैट पर आवर कैसा होगा लो होगा सेविंग इन द पावर बिल अगर पावर फैक्टर प्रॉपर है तो पावर बिल भी क्या होगी कम हो जाएगा बेटर यूसेज ऑफ पावर सिस्टम लाइन्स एंड जनरेशन इट इज ही प्रॉपर यूज होगा पावर सिस्टम का लाइन्स का जनरेशन भी जगह ही जगह भी कैसे प्रॉपर ही हो होगा सेविंग इन एनर्जी एज वेल एज रेटिंग एट द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस इक्विपमेंट इज रिड्यूज अगर प्रॉपर पावर फैक्टर हुआ इतना पावर फैक्टर है तो क्या होगा इक्विपमेंट की जो कॉस्ट uh, है वो भी क्या होगी रिड्यूस्ड होगा नाउ एडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर विदाउट यूजिंग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस कि हम कैसे पावर फैक्टर विदाउट यूजिंग हम कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं इंस्टॉल कैपेसिटर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी एक है कि हम पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं मिनिमाइज ऑपरेशन ऑफ इडलिंग और लाइटली लोडेड मोटर्स हम ऑपरेशन लाइटली लोडेड मोटर्स का कम कर सकते हैं इंस्टॉल वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव वी एफ डी सिस्टम टू लाइटली लोडेड इंडक्शन मोटर्स जहाँ लाइटली लोडेड इंडक्शन मोटर हैं वहाँ हम क्या लगेंगे वी एफ डी इंस्टॉल न्यू मोटर दैट विल बी ऑपरेटेड नियर देयर रेटेड कैपेसिटी हम न्यू मोटर उसको करेंगे कि जो भी कैपेसिटर हम अटैच करें उसके हिसाब से वो रन करेगा रिप्लेस लाइटली लोडेड मोटर विद मोटर साइज टू बी ऑपरेटेड नियर देर रेटेड कैपेसिटी हमें ये सब रिप्लेस करना है और प्रॉपर मोटर रन करवाना है जो क्या करेगा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हेल्प करेगा अवॉइड ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट अबाउ इट्स रेटेड वोल्टेज अगर कोई भी इक्विपमेंट रेटेड वोल्टेज के ऊपर वर्क कर रहा है तो हम वो क्या करेंगे उसको भी कम करेंगे हम मेंटेन करके रखेंगे नाउ समरी हमने क्या पढ़ा इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर एडवांटेजेस ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एंड करेक्शन एंड देन अवॉइडेंस ऑफ लो पावर फैक्टर विदाउट यूजिंग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइसेस दिस इज प्रोग्राम आउटकम थैंक यू